हमने जो बयान दो दिन पहले दिया आज भी मैं उस पर कायम हूँ। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा, यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े, जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसी शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े आते हैं, उनके लिए कहा गया है। और नारी को भी नहीं छोड़ा, किसी वर्ग की नारी हो, सामान्य वर्ग की भी नारी हो, उसको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकलता ना के अत्याचार। और जब इस पर कोई आपत्ति करता है क्यों लिखा है ऐसा, तो धर्माचार्य ठेकेदार सफाई देने के लिए आ जाते हैं कि उनको हमने शिक्षा के लिए इशारा किया। समाजवादी पार्टी में पिछड़े वर्ग से आने वाले फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर खासे चर्चा में हैं। जहां रविवार को रामचरितमानस पर बयान देकर राजनीतिक माहौल को उन्होंने गर्मा दिया था, जिसके बाद से ही उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता रामचरितमानस का गुणगान करने लगे। लेकिन मंगलवार को एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन सभी सवालों पर विराम लगा दिया जो उनको बैकफुट पर जाने की चर्चाओं को जोर दे रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की है और ना ही राम पर कोई बात कही। कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने किसी भगवान, किसी धर्म, राम पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है, उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उस पे स्टैंड आया, स्टैंड है उस पे? आप अपने बयान पे स्टैंड? हमने जो बयान दो दिन पहले दिया आज भी मैं उस पर कायम हूँ। खलीलाबाद संत कबीर नगर से आलमगीर की रिपोर्ट, यूपी तक।